हमारे पास एक बैटरी आया है जिसका कि टर्मिनल देखिए टूटा हुआ है, तो ये टूटे हुए टर्मिनल को हम रिपेयर करेंगे या फिर इसे रिस्टोर करेंगे। अगर हम तार को डायरेक्ट सोल्डिंग करते हैं तो ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है, तो इसे हम दूसरे तरीक़े से इसे रिस्टोर करेंगे। इस बैटरी में हमारा प्लस टर्मिनल टूटा हुआ है, तो हम प्लस टर्मिनल के बगल में कुछ खड्ढा करेंगे। हमारे पास देखिए खड्ढा करने के लिए ड्रिल मशीन है, अगर आपके पास ना हो तो आप कील के मदद से भी खड्ढा कर सकते हैं। हम टर्मिनल के पास पहले हॉरिजॉन्टल वे में खड्ढा करेंगे और उसके बाद फिर वर्टिकल मोड में खड्ढा करेंगे। तो आइए हम पहले खड्ढा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। हमने बैटरी के टर्मिनल के पास हॉरिजॉन्टल वे में अब खड्ढा कर लिया है। इस खड्ढा को कैसे करना है आप देख सकते हैं, सेम इसी तरह से खड्ढा करना है, ज़्यादा अंदर तक नहीं करना है, बस अंदर से टर्मिनल दिख जाना चाहिए। अब बैटरी के टर्मिनल के पास हम वर्टिकल मोड में खड्ढा करेंगे, बस उतना ही खड्ढा करना है कि एक स्क्रू आसानी से उसमें फंस जाए, ज़्यादा अंदर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमने ये भी गड्ढा कर लिया है, अब इसे हम ब्रश से अच्छी तरह से साफ कर देंगे। अब एक हाफ इंच का स्क्रू लेंगे और पेचकस के मदद से हम उस गड्ढे में इसे फंसा देंगे। अब हम मल्टीमीटर के मदद से जो स्क्रू कसे थे उस स्क्रू में सप्लाई चेक करेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारा सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा बिल्कुल ठीक है। जो टर्मिनल के पास हमने खड्ढा किया था उसमें कुछ इस तरह से कॉपर वायर को रख के सोल्डिंग करेंगे। तो ये हम पहले सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और करना है उसे भी करेंगे। कॉपर वायर को यहाँ पे कुछ इस तरह से सोल्डिंग करना है, तो सोल्डिंग करने से पहले हम टर्मिनल में भी कुछ रंगा लगा लेते हैं ताकि आसानी से चिपक जाए। अब देखिए हम कॉपर वायर को टर्मिनल के साथ सोल्डिंग कर देते हैं। तार के साथ साथ हम जो स्क्रू कसे थे उसमें भी सोल्डिंग करेंगे ताकि एक दूसरा में सब कुछ चिपका रहे। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम उन सभी बैटरी के जगहों को सील करेंगे ग्लू गन के मदद से जहाँ पे हमने खड्ढा किया था, ताकि किसी तरह कोई लीकेज ना हो, और ग्लू गन लगा देने से जो वायर हमने सोल्डिंग किया है वो जल्दी टूटेगा भी नहीं। और ग्लू गन से सील करने के बाद हम इसे कुछ देर सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो हमारा आपको किसी भी तरह से मददगार साबित हुआ हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।